हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हम लोग तो आपके चैनल को रोज़ ही देखते हैं, रोज़ लाइव क्लास अटेंड करते हैं। आज आपका बर्थडे सुना तो सुबह भी विश किया, सोचा कि हम भी आपके बर्थडे में कुछ दो चार बोल दें। तो हाँ गुरु जी, तो हम भी आपके लिए छोटा सा एक पोएम समझिए, चाहे जो भी समझिए, थोड़ा सा एक छोटा सा गीत कहना चाहते हैं। संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, चरणों में जन्नत है। गुरु में संसार समाया, इनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, चरणों में जन्नत है। गुरुजी, एक बहुत पहले एक रचना है जो मैं कहना चाहती थी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात्कार परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक और कबीरदास ने जो कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताया। जब ये कविता को मैं सुनती थी बचपन में, तो सोचती थी कि गुरु ही क्यों लोग कहते हैं, गुरु ही क्यों कहा है कबीरदास जी ने कि गुरु ही बताए हैं भगवान को, और इसीलिए गुरु की ही गुणगान करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी बता देते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ाते हैं या कहते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये उपमा इसीलिए दी गई है कि गुरु की श्रेष्ठता को कोई और जगह, गुरु की श्रेष्ठता का कोई और ले ही नहीं सकता जगह। इसलिए गुरु जी आपके जन्मदिन पे आपको ढेर सारी बधाई, आपको भगवान जीवन में हर खुशियाँ दें। हम स्टूडेंट तो धन्य ही हो जाते हैं, और हम लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शक शायद कोई ज़िंदगी में दे नहीं सकता। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना अच्छा भी कोई पढ़ा सकता है। इतने सालों से पढ़ाई के बाद हमें इतना ज़्यादा गाइडेंस तो कभी किसी ने दिया ही नहीं। सर जी, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपके पास टाइम भी कहाँ रहेगा कि आप सुनोगे। बस इतना ही कि हैप्पी 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 बर्थडे वाला, ढेर सारा बर्थडे की बधाई आपको, और मैनी 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 रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड यू आर द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल स्टूडेंट्स। सारी स्टूडेंट की तरफ से आपको सर हैप्पी हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड थैंक यू सर। कितना बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। आपसे ज़िंदगी में एक बार तमन्ना है सर कि एक बार ज़रूर आपसे मिलेंगे। और आपने कहा है आपको किताबें बहुत पसंद है, तो आपको किताबें ही गिफ्ट करेंगे सोचा है। और ये भी सोचा है सर कि हम लोग भी किताबें पसंद करते हैं सर, पर आपकी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो उसके बिना सोते नहीं जागते नहीं। और कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ रहो तो कुछ अच्छाइयाँ आ ही जाती हैं। शायद आप पहले मिले होते तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते। थैंक यू सो मच सर, आपका चैनल और आप हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और इस बात नेट और जे आर अब जो भी निकले, मेहनत तो करनी हम ही लोगों को है सर। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये देख के हम लोग को नींद नहीं आती है कि एक दो महीना है बस निकल जाए किसी तरह। थैंक यू सो मच सर, बारम्बार प्रणाम।